जनसरोकार मंच टॉक श्रृंखला करें। चलिए जी, तो मैं बताइए, आप मुझे आदेशित करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत जो अभी तक जुड़ चुके हैं और आगे जो जुड़ेंगे, सभी आदरणीय जनों को प्रमोद गुलानी की। हमें तेरा भरोसा है, हमें तेरा सहारा है, हमें तेरा भरोसा है, हमें तेरा सहारा है। दिया है आसरा तूने, तुझे जब भी पुकारा है। कभी आशीष की छाओं से मुझको दूर मत करना, तेरे आशीष के बिन मां नहीं मेरा गुजारा है। तेरे आशीष के बिन मां नहीं मेरा गुजारा है। ये गुजारिश माँ शारदे से। और क्योंकि हम कलमकार हैं तो कलमकार क्या लिखे रखते हुए, क्योंकि गणेशोत्सव चल रहा है, तो एक वंदना श्री गणेश भगवान के चरणों में। भगवान गणेश घर में विराजमान है, श्री गणपति जी को समर्पित यह वंदना। कि मेरा सृजन सार्थक करना, मेरा सृजन सार्थक करना, हे गणराया हे शुभ सदना, हे गणराया हे शुभ सदना, मेरा सृजन सार्थक करना, हे गणराया हे शुभ सदना। निर्मल मति निर्मल मन देना, निरभिमानी जीवन देना, निर्मल मन देना, निरभिमानी जीवन देना, शुभ संकल्प समर्पण भरना, शुभ संकल्प समर्पण भरना, हे गणराया हे शुभ सदना, हे शुभ सदना। नेक राह और नेक राह और नेक चाह हो, राष्ट्र धर्म अविरल प्रवाह हो। नेक राह और नेक चाह हो, अविरल प्रवाह हो, जनगण मन शुभ मंगल करना, जनगण मन शुभ मंगल करना, हे गणराया हे शुभ सदना, हे गणराया हे शुभ सदना। सरस आपका चरण दास हो, सरस आपका चरण दास हो, सेवा भक्ति मय प्रकाश हो, सरस आपका चरण दास हो, सेवा भक्ति मय प्रकाश हो, विनय यही स्वीकार है करना, विनय यही
स्वीकार है करना, हे हे शुभ सदना, हे गणराया, हे शुभ सदना, मेरा सृजन सार्थक करना, हे गणराया, हे शुभ सदना, हे गणराया, हे शुभ सदना, हे गणराया, हे शुभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी, रंजना, माधुर दीदी, आप सभी मुझे सुन रहे हैं और आपकी सराहना मुझे प्रोत्साहित करेगी। चलिए, एक गजल जिसको मैंने नाम दिया है जिंदगी, उसके पूर्व बहुत बहुत धन्यवाद दीदी रंजना माथुर दीदी हैं, और भी लोग जुड़ते चलें लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। चलिए, एक छोटी सी गजल है, उसको आप तक पहुंचा रहा हूं, कि जिंदगी अंदाज तेरे कुछ समझ आते नहीं, जिंदगी अंदाज तेरे कुछ समझ आते नहीं, जिंदगी अंदाज तेरे कुछ समझ आते नहीं, हम समझना चाहते हैं पर समझ पाते नहीं, हम समझना चाहते हैं पर समझ पाते नहीं, ख्वाब कितने खूबसूरत तू दिखाती है मगर, ख्वाब कितने खूबसूरत तू दिखाती है मगर, क्यों भला वो ख्वाब अपने रंग में आते नहीं, भला वो ख्वाब अपने रंग में आते नहीं, हंसवा क्यों थम नहीं पाता यहाँ, हसरतों का उलझते जा रहे क्यों कर सुलझ पाते नहीं, है उलझते जा रहे फासले बढ़ते ही जाते हैं दिलों के दरमियां, फासले बढ़ते ही जाते हैं दिलों के दरमियां, हासिलों को दूर करने का सबक पाते नहीं, हासिलों को दूर करने का सबक पाते नहीं, ऐसा रस नादान है वो ओ नशे मन है यहाँ, ऐसा रस नादान है वो ओ नशे मन है यहाँ, जिंदगी है खूबसूरत क्यों समझ पाते नहीं, जिंदगी है खूबसूरत क्यों समझ पाते नहीं, जिंदगी है खूबसूरत क्यों समझ पाते नहीं। आदरणीय मानकंवर दीदी जुड़ी हुई हैं, गीता दीदी, रंजना माथुर दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मुझे सुन रहे हैं यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और चलिए, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसके पूर्व चंद पंक्तियां बेटी के लिए, कि खुश नसीबी से घर में आती हैं बेटियां,
खुशनसीबी से घर में आती हैं बेटियां, सही मायनों में घर को सजाती हैं बेटियां। खुशनसीबी से घर में आती हैं बेटियां, सही मायनों में घर को सजाती हैं बेटियां। बेटों की तो बयां करती है दुनिया, बेटों की दुनिया अपने को अहम खुद ही बनाती है बेटियां, अपने को अहम खुद ही बनाती है बेटियां। एक गीत बेटी को प्रस्तुत है, बेटी को समर्पित, एक आशीर्वाद मिले कि आन बान और शान है बेटी, आन बान और शान है बेटी, बेटी सबसे न्यारी है। आन बान और शान है बेटी, बेटी सबसे न्यारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है, ये सुंदर फुलवारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है। इसका हंसना रोना बोलना रूठना और मनाना, इसकी भोली बातों में खुशियों का भरा खजाना। जीवन भर माँ बाबुल पे निस्वार्थ प्रेम बरसाती, तीनों कुल की आन बेटियां रोशन है कर जाती, तीनों कुल की आन बेटियां रोशन है कर जाती। जिसको सुनकर झूम उठे मन, कि जिसको सुनकर झूम उठे मन, ये ऐसी किलकारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है, ये सुंदर फुलवारी है। बेटी बिन सूना सूना घर, सुना आलम सारा, बेटियों की रौनक से ही तो है जग में उजियारा, बेटियों की रौनक से ही तो है जग में उजियारा। बेटी बिन सृष्टि की कल्पना को आकार नहीं है, बिन बेटियों के तो प्रकृति का भी श्रृंगार नहीं है, बिन बेटियों के तो प्रकृति का भी श्रृंगार नहीं है। नारी के हर रूप में, नारी के हर रूप सम्मान किए अधिकारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है, ये सुंदर फुलवारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है। और अंतिम बंद इस गीत का एक संकल्प को प्रदर्शित करते हुए, एक संकल्प भावना के साथ, किले मिलकर संकल्प बेटियों का उत्थान करेंगे, दे पूरा संरक्षण हम इनका सम्मान करेंगे, दे पूरा संरक्षण हम इनका सम्मान करेंगे। भेदभाव को दूर हटा हम देंगे पूरे अवसर, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी ये जीवन के पथ पर, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी ये जीवन के पथ पर। पढ़ेगी बेटी पढ़ेगी बेटी पढ़ेगी बेटी, तन मन धन सब वारी है। तेरे मेरे घर आंगन की ये सुंदर फुलवारी है, ये
ये सुंदर फुलवारी है तेरे मेरे घर आंगन की, ये सुंदर फुलवारी है, आन बान और शान है बेटी, आन बान और शान है बेटी, बेटी सबसे न्यारी है तेरे मेरे घर आंगन की, ये सुंदर फुलवारी है, ये सुंदर फुलवारी है तेरे मेरे घर आंगन की, ये सुंदर फुलवारी है, ये सुंदर फुलवारी है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों को, हालांकि संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी जो सुन रहे हैं वही मेरे लिए बहुत है। आदरणीय गीता दीदी बनी हुई है और आदरणीय कृष्ण कुमार लखवाल जी, जी सादर प्रणाम। आदरणीय आप भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। मानकंवर दीदी बनी हुई है और रंजना दीदी मधुर प्रस्तुति। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की भी अपनी मर्यादा है, तो बताइए कुछ और प्रस्तुत करूं। आदरणीय कृष्ण कुमार लखवाल जी, नाइस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी बताएं, आदेश करें क्या प्रस्तुत करूं। और चंद पंक्तियां एक घनाक्षरी के माध्यम से कि लेखन में भाव रहे। कलमकार को क्या लिखना चाहिए, कलमकार क्या लिखे और उसको लेकर एक घनाक्षरी कि लेखन में भाव रहे, प्रेम का प्रभाव रहे, सुंदर सुझाव रहे, गीत वो बनाइए। भाव रहे, सुंदर सुझाव रहे, गीत वो बनाइए, गीत कविता या छंद हो विधान युक्त बंध, गीत कविता या छंद हो विधान, गेयता में हो आनंद इसे ना भुलाइए। कल्पना की हो उड़ान सार तत्व का बखान, कल्पना की हो उड़ान सार तत्व का बखान, देश प्रेम का भी गान रंग, आपकी हो वाह सबके दिलों में चाह, आपकी हो दिलों में चाह, सरस सुहानी आइए, सरस सुहानी राह, सरस सुहानी राह। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या प्रस्तुत किया जाए, चलिए एक देश छोटी सी, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक मुक्तक कि वतन ऐसा नहीं कोई, वतन जैसा हमारा, वतन ऐसा नहीं, वतन जैसा हमारा है, कहीं पर और क्या होगा, यहाँ ऐसा नजारा, शहीदों और संतों की ये मिट्टी है बड़ी पावन, की
मिट्टी है बड़ी पावन, कोई कोई तो जुमा कह के, कोई तो बात है इस के पुकारा है। रचना है पंकज मुक्ता छंद, देशभक्ति पूर्ण रचना आप तक पहुंचा रहा हूं। कि सहज सुखद मन भावन गीत बनाए, सहज गीत बनाए, तड़ मन हर से चल ऐसी प्रीत जगाए, सहज सुखद गीत बनाए, मन हर से चल ऐसी प्रीत जगाए। अनुपम अतुलित सुंदर प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, पग पग पर मन मोह रहा क्या खूब नजारा, रहा क्या खूब नजारा। कल कल कर कहे, कल कल कर सुहाती, कल कर बहती नदियों की धार सुहाती, पवन सुमन खुश राह सजाती, महकाती राह सजाती, नव कलरव पंख पसारे, नित नव अरे तान सुनाते, बल खाते, मन प्रमुदित करते पंछी नभ में, इस रज भगवान बात निराली, इस रज पर भगवान बसे क्या बात निराली, गाथा सब वाली, गाथा सब वाली, सत सत नमन प्रणाम तुझे हे भारत माता, सत सत नमन प्रणाम तुम्हें हे भारत, करत सरस गुणगान तेरी जय गाता, करत सरस गुणगान सदा तेरी जय गाता, करत सरस गुणगान सदा तेरी गाता। लोग बने हुए हैं, रणीय रमेश मीना जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये समय की पूर्णता है, दो मुक्तक कहकर अपनी काव्य पाठ को मैं विराम देता हूं। के समक्ष प्रस्तुत है और उसके बाद आपसे मैं विदा लूंगा। कि सही होगा तो अंजाम भी होगा, परी ने कियों का कल हसी हो, निशा अपने बना मिलकर हमारा नाम भी हो, हमारा नाम
नाम भी होगा, तुम्हारा नाम भी होगा। इंसानियत की बात करते हुए हम अपने की ही एक सुखद पहचान बन जाएं, जिससे गा वो सुरीला गान बन जाएं। हमारी जिंदगी इंसान के बिन बने कुछ बाद में पहले, बने कुछ बाद में पहले तो इंसान बन जाए, बाद में पहले बन जाए, बने कुछ बात चलो इंसान बन जाओ। भारत, आप सभी को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हृदय से आभार व्यक्त कर बाद में सुनेंगे, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को सादर नमन।